सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी। मैं हां सुमन जेटली। इस वेले दा वड्डा अपडेट सांझा करन जा रहे हां। डीजीपी तो मोस्ट वांटेड बने सुमेध सैनी। सुप्रीम कोर्ट वालों सुमेध सैनी की गिरफ्तारी ते फिलहाल दी कड़ी रोक लगा दी गई है। तेज नाल ही मांडयोग सुप्रीम कोर्ट वालों पंजाब सरकार तो जवाब मंगया गया। ठीक 4 हफ्ते दे लई एक गिरफ्तारी जड़ी है सुमेध सैनी की गिरफ्तारी ते रोक लगा दी गई है। तुहानू दस दईए कि पंजाब दे विच इस मुद्दे ने सुर्खियां बटोरियां हुई सन। सुमेध सैनी की गिरफ्तारी मोहाली कोर्ट ने पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेध सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साबका डीजीपी सुमेध सैनी की भाल दे विच पंजाब पुलिस दियां 6 टीमां जुटिया हुई सन। इत्थे तक कि डीजीपी डीएसपी लैवल के जिहड़े अधिकारी सन वह भी अगवाई कर चुके सन। पुलिस की टीम ने हुण तक पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के छापेमारी कर लिती है। पर फिलहाल की कड़ी का यह वड्डा अपडेट है कि सुमेध सैनी की गिरफ्तारी से मान्योग सुप्रीम कोर्ट वालों गिरफ्तारी से जिहड़ी है रोक लगा दी गई है। 4 हफ्ते के लिए रोक लगाई गई है। इस नाल ही पंजाब सरकार तो जवाब भी मंगया गया। इस खबर से वधेरे अपडेट साझा करने के लिए मेरे नाल फोन लाइन से चंडीगढ़ तो मेरे सहयोगी सुमेत जोशी लाइन से जुड़ चुके हैं। सुमित, वधेरे चानन पाओ इस खबर से। देखो जे कहा जाए कि सुमेध सैनी साबका डीजीपी ने पंजाब दे ते बलवंत सिंह मुल्तानी मामले दे विच लगातार ही मुश्किलां उन्हां दीआं वधदीआं रहीआं ने। कह सकदे आ कि एक लंबे दौर तो बाद बेशक राहत छोटी है कहीए नूं, पर राहत जरूर पहली बारी मिलदी हुई दिख रही है, क्योंकि सैशन कोर्ट मोहाली ने भी जिथे उन्हां दी अगाऊ जमानत अर्जी रद्द करती, तो उस तो बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी उन्होंने अगाऊ जमानत अर्जी नूं रद्द कर चुकी है। पर अज जिहड़े मुकुल रोहतगी ने उन्होंने वकील उन्होंने वालों पक्ष रखा गया सैनी का सारा सुप्रीम कोर्ट के विच, तो उहदे विच कह सकदे आ कि अगले आदेशों तक उन्होंने गिरफ्तारी से रोक लगा दी गई है। भावें देखा जाए कि हुण स्टेट ने इहदे ते रिप्लाई की फाइल करना वो काफी मायने रहेगा, पर इन्ना जरूर कह सकते हैं कि एक सैनी वास्ते इन्ने लंबे दौर तो बाद एक राहत भरी खबर जरूर नजर पै रही है। जी, जिस तरह असीं देखिया कि 4 हफ्ते दे लई ये रोक लगाई गई है, पंजाब सरकार तो जवाब मंगया गया। पहला जिहड़ा वारंट जारी होया सी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वालों जिहड़ा वो रद्द कर दिता गया सी, ते हुण ये जिहड़ी रोक लगाई है इसनूं किस तरह देखदे हो? देखो रोक लगाई गई है हुण तक पूरा मामला, देखो जदों दी 302 जुड़ी है कि इस मामले दे बलवंत सिंह मुल्तानी मामले दे विच, तां उस तों बाद लगातार परेशानी ही वधी आ। अगाऊ जमानत अर्जी उन्होंने लाई मोहाली कोर्ट दे विच, ते हुण फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच। जिहड़ी हुण अग्गे दी गल आ, देखो अग्गे तां उत्थों पहली गल गिरफ्तारी ते उन्हां दी की रोक बरकरार रहेगी, इह सब तों वड्डी सवाल रहेगा, क्योंकि लगातार सुमेध सैनी दे इह वी कहा गया कि उह लगातार आपदी सिक्योरिटी तक छड्ड के जिहड़े ने उह फरार रहे गए, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही आ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਫਾਇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ। जी जी, बहुत धन्यवाद सुमित जानकारी साझी करने के लिए। 9 साल पुराना यह मामला जिहड़ा है बलवंत सिंह मुल्तानी दी किडनैपिंग नूं लै के, उन्हां दे मर्डर नूं लै के इस केस दे विच पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेध सैनी आरोपी दसे गए सन। ते बीती शनिवार नूं मोहाली कोर्ट दे विच सुमेध सैनी दे खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया सी। इस दे नाल ही 25 सितंबर तक सुमेध सैनी नूं गिरफ्तार करके कोर्ट पेश करन दा आदेश भी जारी किया गया सी। पर फिलहाल दी कड़ी दा इह वड्डा अपडेट है, मान्योग सुप्रीम कोर्ट वालों गिरफ्तारी से 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई है, तो पंजाब सरकार तो जवाब भी मंगया गया। जानकारी के मुताबिक साल 2012 दे विच पंजाब दे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सुमेध सिंह सैनी नूं डीजीपी नियुक्त किया सी। मुश्किलां एक पासे जिथे सुमेध सैनी दियां वधदियां नजर आ रही सन, उते ही कुछ छोटी जी राहत जरूर मिली है उन्होंने गिरफ्तारी से मान्योग सुप्रीम कोर्ट वालों जी रोक लगाई गई है। सुमेध सैनी पिछले कुछ दिनों तो फरार दसे जा रहे सन, अपनी सिक्योरिटी नूं छड़ के सुमेध सैनी फरार दसे जा रहे सन। 6 टीमां पंजाब पुलिस दियां सुमेध सैनी की भाल दे विच जुटियां हुई सन। इन्हां टीमों की अगवाई जी है वह डीएसपी लैवल के अधिकारी कर रहे सन।
पुलिस की टीम ने हुण तक पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली दे विच छापेमारी की सी पर सुमेत सैनी नूं फड़न दे विच टीमां नाकाम रहियां ने पर एक लंबी जदोजहद तो बाद सुमेत सैनी लई एक राहत भरी खबर एक कुछ पलों के लिए कुछ दिनों के लिए राहत भरी खबर जरूर सामने आई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट वालों चार हफ्ते के लिए सुमेत सैनी की गिरफ्तारी से रोक लगा दी गई है। इस खबर के नाल जुड़े वधेरे अपडेट्स लेके असीं जल्दी हाजिर होवांगे। तद तक के लिए मैनू दे इजाजत, तुसीं जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाबी।